व्यू चेक करें। वाओ माशाल्लाह। लेकिन पहले करते हैं नाश्ता। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। बड़ी उम्र है आपकी भाई। मुझे कितना दुख हो रहा है। मैं नाश्ता ही नहीं करूंगा। मैं नाश्ता ही नहीं करूंगा। ये ज्यादा भूखा था ये शख्स। हाँ तो सुबह उठे तू देर लाइए ना। हाँ सुबह के मेरे साथ ही उठे हो। अब हम तैयार हैं आज के दिन के लिए। तो आप ये छत देख रहे हैं, यहाँ मैं सोया हुआ था ना, तो छत इस तरह है ना ढलान में, तो तीन चार बार तो मेरा सर पटक पटक चुका है। क्या कर रहे हो आप लोग? आप बच्चे हो काके हो? मौसम कितना अच्छा मिल गया हमें। वाह इस वक्त मेरे पीछे जो आप नज़ारे देख रहे हैं वो देखे कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। इस वक्त यहाँ टी पार्टी चल रही है लेकिन सारे मोबाइलों पर मसरूफ। मैं कुछ लोग होते हैं जैसे ये शेब है, आयशा है। शेब और आयशा देखकर मोबाइलों पे लगे रहते हैं। अब इस व्यू के साथ हम पियेंगे चाय। वाह क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है। सीरियस लोगो मजा आ रहा है? आपको तो नारा लगा के देना चाहिए था। अच्छा लगा है। पहाड़ जो है वो खुद बोलते हैं जब इंसान इनमें रहता है। क्या बोला उन्होंने आज? हमें नहीं पता, हमने नहीं आवाज सुनी। हम तो सो रहे थे शायद। उनकी भी अपनी जुबान है। आपको आती है? तो खिता जो या कॉटेज या हट जो है वो बाहर से ऐसे नजर आता है और ये दयान बाहर से ऐसे नजर आता है। हाँ मेरे पास है। तो इस इलाके में ऐसे बस कॉटेज और हट्स हैं और लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है आज। एक्चुअली जब हमने देखा था तो जो मौसम की पेशगोई थी वो थी बारिश होगी, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी अभी क्योंकि सूरज डूब रहा है, मतलब शाम होने वाली है, तो थोड़ा थोड़े बादल कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं साइड पे, लेकिन इतनी नहीं, मतलब बारिश नहीं है, तो बहुत अच्छा मौसम मिल गया हमें एक्चुअली। ये वाला कॉटेज है हमारा और ये वाला रेयान है हमारा, ये वाला दयान हमारा, वो वाला यान है हमारा। सबके नाम कैसे हमने ना मतलब चूज करके रखे हैं, अयान रेयान दयान है ना। हाँ बस नाम ही मैच कर रहे थे हम। तो कैसा लग रहा है आपको इधर आके? बहुत अच्छा। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई है या उनमें कमी हुई है या ज्यादा हुई है? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही। बिल्कुल से अच्छा है। मौसम भी अच्छा मिल गया ना एक्चुअली। मजे का मौसम है। पहले बता रहे थे बारिश होनी है। हां तो अब धूप निकल आई है। तो मुझे ये सोच के थोड़ा बोरिंग लग रहा था कि बारिश ही होती रहेगी सारा दिन, हम एक दिन इधर है पूरा दिन आज का दिन तो बारिश होगी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम मिल गया। अभी भी अच्छा मौसम है। ठंड है? ठंड तो नहीं है ना। पहाड़ है लेकिन बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग है। और हमारे हिते का नाम भी है रिलैक्सिया। या सही, तो हम रिलैक्स कर रहे हैं बस। ओ आ जाओ जल्दी करो। बकर से पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग। ये भी सीरियस बंदा है ना। हां बहुत सीरियस। ये आपने सर पे क्या पहन लिया? टोपी।
माशाल्लाह आप तो पूरी तैयारी करके आई हैं। जब बंदा पहाड़ पे तो फुल तैयारी के साथ आना चाहिए। तो आपने मियाँ जी के लिए भी कर लेनी थी ना कुछ? वो अपने बिजी हैं। ये उनको अच्छा नहीं लगा होगा। शादीशुदा लाइफ की मुश्किलात की बीवी की तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं हर वक्त, और बीवी कभी खुश नहीं होती क्योंकि शोहर ने कैसी तस्वीर खींची है। पर्सनल फोटोग्राफर मिल जाता है, लेकिन आप कभी खुश नहीं होती। आपको याद है एक बार ये नीचे लेट लेट की तस्वीरें खींच रहे थे आपकी, पर फिर भी अच्छी एक भी नहीं आती। आज दो अच्छी तस्वीरें बनाई हैं मैंने। वो देखे कितने मायूस हुए हैं। ये अक्सर बना लेते हैं अच्छी, पर आज एक्स्ट्रा अच्छी बनाई है। वाह वाह, आगे बात। हाँ बस ठीक है ना, ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा था कि हम ये वाला खरीद ना लें, ये जो टूटा फूटा सा है ले लेते हैं, इसको हम फिर ठीक करवा लेंगे ना। क्या हाल है? हाँ तो ठीक है। हाँ तो किचन छोटा सा और साथ एक बाथरूम और काम हो जाएगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, सारे अल्लाह के होते हैं। छतों पे ये जो ऐसे घास होता है और बर्फ होती है, ये बड़ी अच्छी लगती है, है ना? बड़े गैंगस्टर लग रहे हो। करण ओजला, करण ओजला, अम्मी का दिल चाह रहा है ये खरीदने को, है ना अम्मी? तो पता है इसकी कीमत क्या होगी? इस वक्त तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफी सर्दी हो गई है, और सुबह जो मैं हमारा हेयर ड्रायर था वो ख़राब हो गया था, तो मेरे बाल भी ठीक नहीं हुए। यहाँ काफ़ी मतलब पुरानी लकड़ी की बने हुए हट्स हैं जो बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे, और उन पे डिज़ाइनिंग वगैरह भी होती है। मैं अब आपको ज़्यादा जाके करीब दिखा नहीं सकता क्योंकि अक्सर मैं आज लोग आए हुए हैं, वीकेंड है और वैसे भी सीज़न में लोग आते हैं इन जगहों पर जब छुट्टियाँ होती हैं, तो आपको ज़्यादा करीब जाके दिखा नहीं सकता, वरना हर एक पर काफ़ी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये वाला जो हट है ये बिल्कुल नया नया बना हुआ है क्योंकि ये बक्कर ने बनवाया है ना। हाँ मैं चलो थोड़ी देर पैसे लाए लगे। तो जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज, अभी जो जितने भी आप देख रहे हैं फुटेज, वो किट लेंस से है क्योंकि बाकी जो लेंस हैं वो मैं लेके नहीं है अभी आया इधर बाहर आते हुए, क्योंकि इतनी सर्दी है, हाथों में उठाना और फिर बार बार लेंस चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ मेरे साथ कोई असिस्टेंट भी नहीं है, बन जाओ मेरे असिस्टेंट। है पैसे कितने दो? मुफ्त में। मुफ्त में? हाँ मुफ्त में। मंसूर साहब आजकल कुछ नहीं मिलता। हाँ लालची लोग होते हैं इधर, तो क्या करें हम। फिर व्यू देखें इधर ज़रा। ये जो हट है जो बिल्कुल नया बना हुआ है जिसका हम कह रहे थे, और ये देखें उनने यहाँ बैठने की जगह भी बनाई हुई है, और फिर ये व्यू देखें उनके घर के बिल्कुल सामने। मुझे हैं भाई, मुझे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैंने आज दोबारा कैमरा टेक ओवर कर लिया है, और मेरे साथ है नाइमा। नाइमा जी बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये सच्ची बात है, अब ठंड हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अब 3 बज रहे हैं कि 4 बज रहे हैं? 4 होने वाले। 4 होने वाले। अब यहाँ पर ठंड हो रही है, लेकिन पीछे का व्यू जबरदस्त जबरदस्त है, और बहुत प्यारी जगह है ये। हाँ और ये हमारे एक तो चिल हेल्ग हो गया है, चिल वीकेंड हो गया है, और हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। चले मेरे और नाइमा की बातों में वो सारे हमें छोड़ के चले गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब हम उनको जाके पकड़ते हैं। हाँ जुल्फकार साहब का ऑर्डर आ गया, अब चले, उनको ठंड लग गई है। आ जाओ बेटा। आगे सिर्फ जंगल है। सिर्फ जंगल है? चले ना, ठंडी हवा मुंह पसीने चेहरे पे पड़ेगी अब जाते। ठंड बहुत हो गई हुई है। हेलो, हाउ आर यू? दयान कैसा लग रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हो? हाँ। आपको सबसे अच्छा क्या लगा दयान? हितन। हितन आपको हट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? जी हाँ। नहीं टाइम कम है ना। हाँ जी गर्मी। हाँ गर्मी से ज़्यादा अच्छा है। जगह बहुत अच्छी है, जगह अच्छी बहुत।
रियान क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बोले बता रहे है। अब वापसी का सफर शुरू हो गया है। हम इतनी दूर तो नहीं आए लेकिन ठंड बहुत हो गई है और हम घर से इतना ज़्यादा ठंड का इंतज़ाम नहीं करके आए थे। और यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये फोटोशूट हो रहा है जी। फोटोशूट हो रहा है। साडा हैंडसम मुंडा हैंडसम नहीं हो खुद ही मान लिया बुढ़े हो गए हो। चलो शादी कैंसिल करते हैं। शादी इसकी कैंसिल? हाँ वो तो करनी चाहिए। बुढ़े हो गए अब क्या करोगे? अयन क्या हुआ है? अब लाला करो। कुछ छुपने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब इंजॉय कर रहे हैं और देख के अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एजेस के बाद ऐसे बाहर वेकेशंस पे आए हैं। लास्ट टाइम हम कहाँ गए थे? लंदन। और ये लोग बर्लिन गए थे। कौन कौन सी बातें कर रहे हैं? मैं व्यूअर से बात कर रही हूँ। यू नो यस अपना क्यों नहीं शुरू कर रही? मैं अपना नहीं शुरू करती। लोग कह रहे हैं कि आप कुकिंग वाला स्टार्ट करें। नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। कर सकती नहीं, गेस्ट व्लॉगिंग तक ठीक है पर मैं नहीं कर सकती। कर सकती नहीं मुझे मुश्किल लगता है। नहीं कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा कभी कभी किया करूँगी ना। कभी कभी नहीं मेरे ख्याल में आपको सही करने के जो आपका जॉब है वो छोड़ दें। मैं जॉब छोड़ दूँ ये ज़्यादा जानकारी नहीं। यस हम चल के मंसूर को पकड़ते हैं। क्या कर रहे हैं आप? तस्वीरें ही बना रहे हैं और हमने क्या कर? मुझे लग रहा है किसी से बात कर रहे हो। किसी से बात करनी है? हमसे कौन बात करता? इतना तो बात करते हैं। आप क्यों हैरानी से खड़े हैं इधर? ये पानी बहता हुआ देख रहे हैं। आपको हैरानी हो रही है कि ये जमा नहीं है बाकी हर चीज जम गई है? जम गया, नीचे से पानी आ रहे। देख लें फिर। शोएब आप किधर रह गए थे? नहा रहा था। नहा के तो बाहर नहीं निकलते ना, ठंड लग जाती है। ठीक रहेगा। यहाँ प्रोजेक्टर पे फिल्म लगा के देखने की तैयारी हो रही है। पता नहीं कैसी चलेगी लेकिन हम प्रोजेक्टर लेके आए हैं, फिल्म देखेंगे। तो ये नहीं पता अभी कौन सी फिल्म देखनी है। हेलो, ये कौन है? कौन है ये लड़की? मोटू, किधर चली गई हो? हेलो, कैसी हो आप मदीना? आप कैसी हो? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप भी इधर होते तो मज़ा आता। जो हमारे इधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये हस्बैंड भी कभी खुश हुए हैं। हस्बैंड जो है महलूक ही ऐसी है कि कभी खुश होती नहीं। हाँ आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बीवियाँ मुतमईन होती हैं। मम्मी किधर हैं? आप इस बारे में कुछ जवाब देना चाहती हैं? आप क्यों माई फत्ता बने हुए हैं? मैं क्यों माई फतो बना हुआ? क्योंकि आपकी ये जॉब है। देखो लड़ाई इनकी हो रही थी, अब इन्होंने मुझ पे डाल दी है। ये जो मियाँ बीवी लोग होते हैं बड़े चलाक होते हैं, सिंगल ही ठीक रहते हैं। फिर हमने एक दूसरे को साथ देना पड़ता है, मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है। अब अबू बकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाई को कि शायद वो अब खुश हो जाए। मतलब हमारे पास चादर नहीं थी ना कोई, तो हम इधर उनकी रजाइयाँ। ये भी है। Two hours later. वाह।
लगा लिया हमने प्रोजेक्टर, अब फिल्म देखेंगे पता नहीं कौन सी। तैयार हैं आप लोग? और ये वसीम भाई की नॉर्वेजियन जबान में एक वीडियो है जो चल रही है। भाई मंसूर ये आपका? ये क्या है? ये केक है, वाह आयशा ने बनाया था। वाह स्वीट्स भाई आयशा की तरफ से जी, शेमलेस प्रमोशन। तो एक बॉलीवुड की फिल्म देखने अब जा रहे हैं, मर जावा मुझे नहीं पता कैसी होगी, लेकिन ये तो सारे मतलब बैठे हुए हैं तो मजा आ ही जाएगा देखने के। Three hours later. क्या सर आप लोगों का एक्सपीरियंस बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने का? अच्छा रहा, मजा आया, मजा आया। फिल्म अच्छी। तो एक खुशखबरी की बात है कि मेरे 4000 घंटे मुकम्मल हो गए यूट्यूब पे वीडियो जो वाचिंग टाइम है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो देखते हो। लूटने वाले पहले पहुंच गए हैं, मैं मरा ख्याल है कि कहता हूँ किरण ही थे शामिल है यार, किस चीज में शामिल हो? बड़ी मेहरबानी, हमारी सब्सक्राइब करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे कलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बस।